हेलो यूरिव फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, मतलब जुमलों की कितनी टाइप्स होती हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो व्हाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स आखिर होती क्यों हैं? डिफरेंट सेंटेंसेस टाइप्स हेल्प अ रीडर आइडेंटिफाई द पर्पस एंड इंटेंट बिहाइंड द सेंटेंस। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से रीडर को पता चलता है कि सेंटेंस का मकसद और उसकी पहचान आखिर क्या है। इसके अलावा व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंस टाइप्स एंड देयर कोरिलेटिंग पंक्चुएशन हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर बीइंग सेड। इसका मतलब है सेंटेंस से जुड़े हुए इसके पंक्चुएशन मार्क से भी आपको पता चल सकता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। बेसिकली सेंटेंसेस की चार टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे बयानिया जुमला भी कहा जाता है, उसमें रीडर को बस एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इंटेंडेड टू गिव अस इंफॉर्मेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस। इट एंड्स विद अ पीरियड। इसका मतलब है वो जुमला एंड में उसके पीरियड मतलब फुल स्टॉप लगाया जाता है, और ये जुमले की सबसे आम टाइप है। एग्जाम्पल, आई लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स पसंद हैं। द कैरेक्टर इज वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट, कैरेक्टर ने एक हरी शर्ट पहनी हुई है। आई डिड नॉट ब्रिंग अ पेंसिल, मैं पेंसिल लेकर नहीं आया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जुमलों के एंड में हमने फुल स्टॉप मतलब पीरियड यूज़ किया है। बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब सवालिया जुमलों की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये वो जुमले हैं जो कि एक सवाल पूछने के लिए कहे जाते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, डू यू लाइक डॉग्स, क्या आपको डॉग्स पसंद हैं? वट कलर शर्ट इज द कैरेक्टर वेयरिंग, कैरेक्टर ने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है? कैन आई बोरो अ पेंसिल, क्या मैं आपसे एक पेंसिल उधार ले सकता हूँ? क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हुक्म या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड एंड इंस्ट्रक्ट्स समवन टू डू समथिंग। दे कैन एंड विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ये जुमले एक फुल स्टॉप और एक एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ एंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो, गो गेट द डॉग नाउ, ये एक इंस्ट्रक्शन है। गो पुट ऑन अ पिंक शर्ट, एक पिंक शर्ट पहनो। प्लीज गेट योर पेंसिल्स आउट, अपनी पेंसिल्स निकालिए। अब बारी आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज होते हैं जब आप एंगर मतलब गुस्से को, एक्साइटमेंट एंड सरप्राइज, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं, मतलब हैरानगी, गुस्सा, ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करते वक्त हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, आई लॉस्ट माय डॉग, ये जुमला बता रहा है सैडनेस का, डॉग गुम गया है, राइट? आई कॉन्ट बिलीव यू स्टेन्ड माई शर्ट, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने मेरी शर्ट गंदी कर दी। नाउ इस सेंटेंस में गुस्सा है, किसी ने मेरी शर्ट पर धब्बा लगा दिया तो मुझे गुस्सा आ रहा है। आई कॉन्ट बिलीव यू स्टेन माई शर्ट। आई ब्रोक माई पेंसिल, मैंने अपनी पेंसिल तोड़ दिया, मुझसे मेरी पेंसिल टूट गई। सो दिस इज़ इट फॉर यू गाइस टुडे। अब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ इन सेंटेंसेस की चारों टाइप्स को रिव्यू करना है। चार टाइप्स, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर एक वीडियो आपके लिए बनाऊं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़, बाय।